बीजेपी ने यूपी में हारी हुई 14 लोकसभा सीटों के लिए एक रामबाण इलाज निकाला है। यूपी में मिशन 80 को धार देने के लिए बीजेपी की रणनीति के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं द न्यूज़ प्लग। राजधानी लखनऊ में आज पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने 2019 लोकसभा चुनाव में हारी हुई 14 सीटों पर समीक्षा बैठक की। ब्रज की रसोई गेस्ट हाउस में हुई इस मीटिंग में 14 लोकसभा सीटों के प्रभारी और संयोजक के अलावा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह समेत बीजेपी के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन चौधरी ने बताया कि आज हुई मीटिंग में उन लोकसभा सीटों को चिन्हित किया गया है। राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने निर्देश दिए हैं कि सभी सीटों पर जी तोड़ मेहनत की जाए और पार्टी के सभी कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर इन सीटों को जिताने के लिए लग जाएं। हम जीत के लक्ष्य के साथ ही सभी लोकसभा सीटों पर संगठनात्मक कार्य करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने ये भी कहा कि सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोगों को अपना मत भी बताना चाहिए कि वह किसके साथ में है, वो सनातन धर्म के पक्ष में है या फिर सनातन धर्म के विरोध में है। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन नीति मंत्री सुनील बंसल 2019 में हारी हुई तमाम सीटों की समीक्षा करेंगे। सुनील बंसल को हारी हुई सीटों का प्रचार दिया गया है। समीक्षा बैठक लखनऊ के रायबरेली, लालगंज और अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, नगीना, बिजनौर, सहारनपुर, अमरोहा, घोसी, गाजीपुर, संभल, मुरादाबाद, मैनपुरी, रामपुर और आजमगढ़ की सीटों की समीक्षा होगी। इन सभी 16 सीटों पर बीजेपी को 2019 की लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि बीजेपी ने उपचुनाव में रामपुर और आजमगढ़ की सीट को जीत लिया था, लेकिन समीक्षा 2019 के लिहाज से सभी सीटों पर की जाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन सुनील बंसल का उत्तर प्रदेश में साल 2013 से 2022 तक की लंबी कार्यकाल का एक रिकॉर्ड रहा है। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश में बीजेपी के संगठन को जमीन से आसमान तक पहुंचाने का काम किया, जिसका नतीजा निकला कि उनके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 2014 का लोकसभा, 2017 का विधानसभा, 2019 का लोकसभा और फिर 2022 का विधानसभा चुनाव भूतपूर्व तरीके से जीता। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद सुनील बंसल को उत्तर प्रदेश के महामंत्री संगठन पद से राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया। हालांकि बीजेपी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बदलाव किया है। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।